ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पेट शॉप सिमुलेटर। तो गाइस यहां लास्ट एपिसोड में तुम लोगों को याद होगा कि अपन लोगों ने यहां पे पूरे $50,000 खर्च किए थे। वेल गाइस, पूरे 50,000 तो नहीं किए, क्योंकि भाई थोड़े बहुत जो पैसे अपन ने बचाए थे वो हमारे मैनेजमेंट में भी लग जाते हैं, क्योंकि यहां पे जो हमारे वर्कर वगैरह आते हैं ना, उनको भी पैसे चाहिए रहते हैं। बाकी गाइस अपन ने जो है यहां पे थोड़ा बहुत इसको मॉडिफाई किया था, एंड इसी के साथ अगर तुम देखोगे तो यहां पे अपन इन लोगों के लिए जो अभी टॉयलेट भी बना दिया है। तो भाई यहां पे ना अभी कस्टमर्स कोई भी कंप्लेंट नहीं करेंगे, ठीक है, वैसे कंप्लेंट तो करते भी नहीं थे, बट अपने को जो है यहां पे एक टॉयलेट रूम भी बनाना था हमारे पेट शॉप के अंदर। लेकिन गाइस आज ना ये जो $1,00,000 मैं इस पे खर्च करने वाला हूँ पूरा के पूरे इस गेम के अंदर, आज ना मैं सब कुछ मैक्स कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि भाई मैं इस गेम को सही बताऊँ तो ज्यादा खींचना नहीं चाहता, क्योंकि सारी चीजें इसमें लगभग ना सेम ही है, तो मैं इसको ज्यादा खींचना नहीं चाहता हूँ। तो इसको अपन आज के एपिसोड में ट्राई करेंगे पूरा का पूरा खत्म करने की, एंड जितनी भी चीजें ना अपन सारी चीजें कर पाए यहाँ पे। बाकी अपना जो डिलीवरी वाला बंदा है भाई यहाँ पर आ चुका है, एंड वेयर हाउस में अभी स्पेस नहीं है, तो मेरे को उसका एक्सपेंड करवाना ही पड़ेगा भाई आज के दिन। तो ठीक है, तो चलो गाइस सबसे पहले वाले जो शॉप है इसको बाय कर लेते हैं 5,000 की। मैं कह रहा हूँ 50,000 भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ओके, सो 5,000 का अपन सबसे पहले अपग्रेड करेंगे, एंड इसको थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी यहाँ पे देखो गाइस काफी सारे डॉग्स वगैरह हैं, इनको अपन इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी, अरे जाओ भाई तुम निकलो रे इनको भाई। हाँ ये देखो गाइस इतने प्यारे भाई, इनको खाना वाना खिलाते हैं, ठीक है, इसको हड्डी दे दी मैंने, खा ले भाई, मौज काट, चल ठीक है, चल बाय बाय। बार बार क्या हु कर रहा है भाई। ओके चलो गाइस इसको भी खिला देते हैं, ठीक है भाई, थोड़ा बहुत यार अपन देखो पेट्स का ध्यान रखते हैं तो अपन खाना वाना तो खिला ही सकते हैं इन लोगों को, क्या जा रहा है इसमें, राइट। चलो गाइस तो अभी चलते हैं हमारे पेट शॉप में, और इसको मैं अभी ओपन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर अट्रैक्टिवनेस देखोगे 34% है, और मैंने थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर वर्कर्स भी हायर किए थे ऑफलाइन, ये इसलिए किया है क्योंकि भाई अपने को वर्कर्स की जरूरत है ऑब्वियसली, इसी वजह से किया मैंने। तो बाकी मैं देख रहा हूँ अगर 2-3 स्टार के अपने को और मिल जाते तो भाई काम हो जाएगा अपना, देख लेता हूँ। यहाँ पे सारे 1-1 स्टार वाले ये तो भाई ठीक है, अभी कुछ कुछ मेरे पास 2-2 स्टार के हो चुके हैं, तो अपन उनको बुलाएंगे, ठीक है, ताकि हमारा अच्छा खासा काम कर सके, एडवर्टीजमेंट का काम सारा कर देंगे। तो भाई यहाँ पे ना बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे, और अभी हमारा लेवल 9 भी हो चुका है। एक सेकंड, ये क्या हुआ? अच्छा ओ, तो गाइस ये हमारा यहाँ पे एक्सपैंड हो चुका है एरिया, एंड यहाँ का जो वेयर हाउस एरिया है ना थोड़ा सा मैं इंप्रूव करने वाला हूँ, लाइक थोड़ा सा और बड़ा करने वाला हूँ, क्योंकि थोड़ा ना वेयर हाउस का सीन हो रहा है यार, इसमें ना स्पेस नहीं बच पा रही है अभी मेरे पास। अगर यहाँ देखोगे तो भाई 1700 भरा हुआ है पूरा का पूरा एकदम, इसको खाली करवाना पड़ेगा अपने को। एंड मैं जो सोच रहा हूँ भाई एडवर्टीजमेंट वगैरह भी कराया, इससे ना हमारे जो प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाता है, मैंने ऑफलाइन कराया क्योंकि, एंड लिटरली भाई 1 नंबर का प्रॉफिट होता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, बहुत सारा सामान लेके जाते हैं। एंड या सबसे पहली चीज मैं सोच रहा हूँ पार्किंग एरिया पहले मैं पूरा मैक्स कर देता हूँ, क्योंकि लास्ट में ना मेरे साथ कुछ सीन ना हो जाए इस वजह से, क्योंकि भाई लास्ट में बच जाता है ये वाला एरिया, इसको मैं पूरा कर देता हूँ, ठीक है। पार्किंग एरिया अपन ने पूरा मैक्स कर दिया, मैक्स आउट पार्किंग, एक्सपेंडेड द पार्किंग लॉट टू इट्स लिमिट। तो गाइज यार अपन ने जो है यहाँ पे अचीवमेंट भी अनलॉक कर लिया इसी के साथ में, नाइस। तो गाइज देख सकते हो अभी पूरा का पूरा पार्किंग एरिया अनलॉक हो चुका है, यहाँ पे भी बहुत सारे कस्टमर्स अपनी गाड़ियां लाएंगे यहाँ पर और आराम से पार्क करेंगे, भाई चिल करो, कोई टेंशन नहीं लेनी अपने को, ठीक है। सोच रहा हूँ ना एक और काम करते हैं, इसको भी मैं लगे हाथ जो है ना अपग्रेड कर ही देता हूँ, ठीक है। अब मैंने ये क्यों किया, इसका रीज़न ये है कि ना बाद में फिर इसको यार टाइम लगेगा करने में, और फिर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाऊंगा क्या करना है करके, इस वजह से एक बार में पूरा सेटअप कर लेते हैं इसका अच्छा खासा, ठीक है। तो अभी मैं जो कैशियर का काम तो नहीं करने वाला, 2 कस्टमर्स दो हमारे जो है यहाँ पे वर्कर्स आ जाएंगे, जो कि आई थिंक सारा काम हैंडल कर लेंगे आपस में। और एक काम करते हैं, यहाँ पे मेरे को भी क्या करना है ना, बिल्ड मोड में चलते हैं, ठीक है। तो गाइस अगर तुम देखोगे अभी तो अपन ने जो है यहाँ पर एक टॉयलेट भी बना दिया यहाँ पर राइट साइड में, ठीक है, और यहाँ पे स्टॉक रूम भी अपन ने बना दिया, इसको एक्सपेंड करेंगे भी, टेंशन मत लो। उसके अलावा अपने को यहाँ पे एक स्टाफ रूम भी बनाना है। अब स्टाफ रूम में होगा क्या आखिर, देखो गाइस तुम लोग को दिखाता हूँ स्टाफ रूम, ये रहा। तो यहाँ पे तो कॉमन रूम लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो आइकन दे रखा है ना स्टाफ रूम का, ये ठीक है। तो गाइस इसमें चलते हैं, यहाँ पर अपन ना सोफा लगा सकते हैं, दूसरा सोफा लगा सकते हैं महंगा वाला, यहाँ पर अपन आर्केड मशीन लगा सकते हैं, कॉफी मशीन लगा सकते हैं। तो कस्टमर्स या फिर हमारे जो वर्कर्स हैं, जब इनको मैं ब्रेक पे छोड़ूंगा तो ये लोग अंदर जाएंगे, अपना आराम से बैठेंगे वहाँ पे, गेम वेम खेलेंगे, वापस आएंगे, काम वाम करेंगे, बहुत बढ़िया काम चलने वाला अपना, ठीक है। तो अपने को पूरी चीज़ें बनानी है आज के दिन, एंड हमारा जो है नेक्स्ट एरिया भी अनलॉक हो चुका है गाइस, जिसे के बगल में देख सकते हो यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, ये पूरा का पूरा एकदम मस्त तरीके से अनलॉक हो चुका है यहाँ पर। अभी मैं जो हमारा स्टोर ओपन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, एंड एक बार देख लेता हूँ, मैं खाना वाना भर देता हूँ, सो दैट मेरे को बाद में दोबारा ना आना पड़े भाई यहाँ पर खाना भरने के लिए। इसी वजह से मैंने ना ज़्यादा लगाया नहीं है ये वाले, क्योंकि इनको ज़्यादा लगाने से भाई पंगा है, इनको बहुत ज़्यादा मेरे को देखभाल रखनी पड़ती है, लाइक इसकी कसम से भाई, बहुत सारे जानवर होगा इसमें, क्लीन करो, खाना वाना दो, बहुत टाइम लग जाता है, और वर्कर भी नहीं है भाई जो कि यहाँ पर क्लीन वगैरह सब कुछ करें इनका, लाइक वो सिर्फ हमारे स्टोर का देखभाल करते हैं, बट ठीक है, नेवर माइंड। अभी जरा इसमें चलते हैं, बिल्ड मोड में चलते गाइस, और यहाँ पर अभी देख सकते हो हमारा स्टोरेज कुछ इस तरह का है, राइट। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि हमारे स्टोरेज को ना अपन लाइक इसके बराबरी पे थोड़ा एक्सपैंड कर दूँ, ठीक है, उसके बाद में जो एरिया बचेगा ना उसको अपन स्टाफ रूम बनाएंगे, ठीक है। लाइक इतने सेल्फ से मैं रखने वाला हूँ भाई, ज़्यादा मेरे को भरने का कोई शौक नहीं है, ठीक है, मेरे पास सामान पड़ा हुआ है, बस सामान स्टॉक में रखूँगा, एंड थोड़े बहुत सेल्स और लगा दूंगा, बाकी मेरे को इतना कोई वो नहीं करना भाई यहाँ पर भर भर के लगानी चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ चलते हैं, और हम जाएंगे इस वाले में स्टॉक रूम में चलते हैं, तो इसको मैं ज़रा इम्प्रूव करने वाला हूँ, लाइक थोड़ा इंक्रीज़ करने वाले हैं। तो काम करता हूँ, रुक जाओ ज़रा, तो लेट मी गिव द ट्राई, लाइक रुक जाओ, मैं सोच रहा हूँ क्या करना चाहिए अपने को यहाँ पर। सो
अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देता हूँ कुछ इस तरह से, मान लो ठीक है ये मैंने एक्सपेंड कर दिया, उसके बाद में अगर मैं यहाँ से इसको खींचूँ ठीक है, तो चार सेल्स यहाँ पर आ जाएंगे एंड यहाँ पर थोड़ा बहुत जगह भी बच जाएगी आई थिंक, एक दो तीन, हाँ तो इतना रहेगा ये। और इसके अलावा जो रूम बचेगा इसमें हमारा जो है सारा का सारा इनका काम की चीज़ होने वाली है ठीक है। तो गाइस ये हो गया हमारा यहाँ पे स्टॉक रूम पूरा का पूरा ठीक है, आई थिंक काफ़ी सही बनाया मेरे हिसाब से तो, या काइंड ऑफ। ऑलराइट चलो अभी इसमें चलते हैं एंड इसको पहले जरा अपन रीपेंट वगैरह कर देते हैं भाई यहाँ का भी, एंड इसमें मैंने सबसे लास्ट वाला जो है ये लगा रखा है ठीक है, इधर का काम हो गया है, उसके बाद ये हमारा जो है पूरा एकदम मस्त रूम होने वाला है यहाँ पर। एंड एक और चीज़ रुक जाओ, इसको मैं जरा पेंट भी कर देता हूँ इसी के साथ साथ में ठीक है, नहीं तो भाई काम बढ़ जाएगा यार बाद में करो ये वो भाई, इसलिए पहले ही कर देते हैं अपन सब चीज़ें। और इधर भी लगा देता हूँ इसको पूरा का पूरा ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से इसको कवर कर देंगे। नाइस, अभी मेरे को जो है यहाँ पे सिर्फ स्टॉक रूम की चीज़ें लगानी है, तो यहाँ पे सिर्फ अपने कोई कैबिनेट लगाने हैं लाइक सेल्फ्स वगैरह लगाने हैं ठीक है। ये आ जाएगा, कैसे रोटेट कर दे, ओ नो आई थिंक सही है मेरे हिसाब से तो, यप हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लग जाएगा एंड यहाँ से मेरे को सीधा लेके जाना है सब कुछ। ऑलराइट गाइस, आई थिंक कितना स्पेस हो गया होगा मेरे को ये भी जानना है वैसे तो, बट आई डोंट नो, चेक कर सकता हूँ कि नहीं, आई थिंक ठीक है मेरे हिसाब से इतना ना, यप। एंड और कुछ जगह बची है क्या यहाँ पे? नहीं बची है, इधर कहीं लगा सकता हूँ, एक यहाँ पर आ जाएगा, लाइक जहाँ जहाँ लगा सकता हूँ भाई लगा देते हैं ना, क्या जा रहा है भाई अपना। और यहाँ तो रहने देता हूँ, दरवाजे का हो गया ये। और हाँ एक और चीज़ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि इसका एक और दरवाज़ा मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे ठीक है, यहाँ साइड में ज़रूरत पड़ेगी क्या अपने को दरवाजे लगाने की वैसे? आई डोंट थिंक सो, बट अपन एक दरवाज़ा लगा देते हैं फिर भी ठीक है, चलिए वाला डोर लगा देते हैं यहाँ पे बस। लेकिन यार ये तो वो हो जाएगा कि चोरों को मैं जो है थोड़ा सा ज़्यादा वो एरिया दे रहा हूँ यहाँ पर चुराने का, आई थिंक एक दरवाज़ा बहुत है यहाँ के लिए। ऑलराइट चलो एक काम करते हैं, अब इसको भी पेंट कर देते हैं अपन यहाँ पे पूरा, अपन को जो है ये करना है यहाँ पे, अपन यही रख रहे हैं एंड रुक जाओ भी करेंगे इसको भी करेंगे सेटअप करेंगे बढ़िया तरीके से, रुक जाओ पहले इसको रीपेंट कर देते हैं अपन सारा सारा ठीक है, अच्छा लगना चाहिए भाई सब कुछ एकदम यहाँ पे। अभी तो मैं सिर्फ ऐसे पेंट कर रहा हूँ उसके बाद, क्योंकि इसका पैसा तो लगता नहीं भाई पेंट करने का ठीक है, फ्री में हो जाता है तो जितना कर सकते हो उतना कर दो भाई इसको, उसके बाद जो खर्चा लगेगा वो बिठाएंगे। अभी सारा कुछ इसको यहाँ पर लगा दिया मैंने, पूरा पेंट कर दिया है, अभी मेरे को डेकोरेशन में जाना है। डेकोरेशन में अपने को जो है यहाँ पे ये ट्रीज से है ठीक है, यहाँ दरवाज़ा है एक, यहाँ दरवाज़ा एक एंड एक दरवाज़ा यहाँ पर है, एक दरवाज़ा यहाँ पर है, और आई थिंक हर एक जगह पर लगा दिया मैंने। अभी मैं सोच रहा हूँ ट्रीज थोड़े बहुत अंदर भी लगाया जाए यार, प्यारा लगेगा देखने में गाइस, क्या कहते हो? आई थिंक यहाँ पे सही है मेरे हिसाब से, एक यहाँ पर आ जाएगा, ये तो दरवाजे का रास्ता हो गया है, एक यहाँ पे लगा सकता हूँ मैं, देखने में अच्छा लगता है यार ये ट्रीज वगैरह ना अंदर। एंड वॉशरूम के बाहर तो रहने देते हैं चलो इतने बहुत है, उसके बाद अपन एक और चीज़ कर सकते हैं यहाँ पर एंड रुक जाओ। सो यहाँ पे हमारा पूरा स्टॉक रूम हो गया ना, अभी मेरे को सेल्फ्स लगाना है यहाँ पे ठीक है, तो अपन सेल्फ्स एक काम करते हैं, इस महंगे वाले लगाते हैं, अब होएगी भाई महंगी बातचीत। तो सबसे एक सेकेंड, डिस्प्ले प्लेटफॉर्म है ना, डिस्प्ले प्लेटफॉर्म तो अपने को नहीं चाहिए, ट्रेडिशनल रैक ही चाहिए है, तो ये वाले मैं रैक लगाने वाला हूँ ठीक है। अपन पुराने वाले रिमूव कर दे क्या? नहीं यार पुराने वाले में सामान रखा हुआ है वो भी चला जाएगा साला इसके साथ साथ एक काम करते फिर ये नॉर्मल वाले ही रहने देते हैं, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, स्पेस तो सभी में बराबर ही है मेरे हिसाब से तो, राइट। तो फिर एक काम करते हैं ये वाला लगा देते हैं अपन यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा एंड यहाँ पर एक, चुप जाओ एक सेकंड, यहाँ पे लगा देता हूँ एक और एक यहाँ पे लगा देता हूँ ठीक है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं ठीक है चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके बाद में अपने को जो इसको पहले तो रीपेंट कर देता हूँ भाई मैं, वाइट कलर का अपन ने करा हुआ है हर एक चीज़ को, ये वाइट क्यों है? हेलो व्हाट कलर कुछ और ही लग रहा है इसका। ओके तो मेरे को थोड़ी बहुत जो है यहाँ पे लाइटिंग भी करनी है, लाइटिंग भी लगाते हैं भाई जरा, डेकोरेशन सॉरी लाइटिंग में चलते हैं एंड यहाँ पर अपन लैंप लगाते हैं थोड़े बहुत ठीक है। तो एक लैंप मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, इसको अपन कर देंगे कि यहाँ पर ठीक है, एकदम सही जगह पर है। उसके बाद एकदम सीधा जाते हैं, एक यहाँ पे कर देते हैं और एक अपन, एक सेकंड रुको, एक यहाँ लगा रखा है ना मैंने इसके बराबर ही पे, राइट। ओ ये कहाँ लगा रखा है मैंने, आई थिंक यहीं पर लगाया हुआ है, यस 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 ठीक है। तो काम करते हैं, ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा लेकिन ना आई थिंक मेरे हिसाब से, और यहाँ पर भी अंधेरा हो रहा था कल के दिन मैंने देखा था, एक यहाँ लगा देते हैं भाई, अंधेरा नहीं चाहिए भाई अपने को यहाँ पे, एकदम उजाला होना चाहिए हर एक जगह पे, समझे गाइस। इसको अपन यहाँ पे लगाते हैं एक, भाई भर भर के उजाला कर दूंगा मैं यहाँ पे, एक यहाँ रुक जाओ ये कहाँ लगा रखे, यहाँ पे लगा रखे ना, तो काम करते हैं एक यहाँ लगा देता हूँ, एक यहाँ लगा देता हूँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है ऑल गुड भाई, काफ़ी बढ़िया लाइटिंग कर दी है मैंने देखा जाए तो वैसे। और राइट सो अभी मेरे को उसको थोड़ा सा रीपेंट करना है, वॉलपेपर जो है थोड़ी चेंज करनी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सेल्फ्स लगाए हुए हैं, जहाँ पे सेल्फ्स रहता है मैंने वहाँ का थोड़ा अलग ही पेंट करा हुआ है, जैसे कि अपने को थोड़ा सा पता लग जाए कहाँ कहाँ पे सेल्फ्स हैं। एंड इधर का ठीक है कोई सीन नहीं है, बाकी यहाँ पर मेरे को थोड़ा बहुत सेल्फ्स और लगाने पड़ेंगे, सो यहाँ चलते हैं, यहाँ पे लगाऊंगा मैं बड़े वाले सेल्फ्स ठीक है। अब बड़े वाले सेल्फ्स लार्ज आइटम रैक तो बहुत सारे हैं यहाँ पर, तो एक काम करते हैं अपन, कौन सा लगा रखा है, ये लगा रखा है ना ठीक है, तो अपन यही वाला लगा देते हैं।
एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा, और इधर रहने देता हूँ, ठीक है। इसको भी अपन कलर करेंगे, इसको यहाँ कलर कर देते हैं, और अपने को ये चाहिए हुक वाले भी चाहिए यहाँ पे, रैक विद हुक्स, इसको भी अपन लगा देते हैं। ओके, एंड यहाँ पर इसको रीपेंट कर देते हैं। तो कैसा लग रहा है गाइस अभी ये है? वैसे इसको अपन कलर भी दे सकते हैं, बट कलर में मेरे को पता नहीं अच्छा नहीं लगता भाई। आई थिंक वाइट में जो नॉर्मली है ना वही सही लग रहा है मेरे को, तो सेल्स वगैरह। बाकी ग्रे कलर का भी अपन ट्राई कर सकते हैं, लाइक या इसको आगे वालों को अपन ग्रे कर सकते हैं, ठीक है। पीछे वाले जो है लाइक नॉर्मल सेल्फ्स है तो उनको अपन वैसे रहने देंगे, ये हुक्स वाले हैं ना इनको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। चलो गाइस अभी इतना काम हमारा हो गया अपन, यार एक सेकंड रुको। अबे हाँ, मैं इसको भी तो चेंज कर सकता हूँ ना। एक काम करते हैं गाइस, रुको रुको रुको, इसका टेक्सचर चेंज करते हैं ज़रा, ऊपर वाले फ्लोर का अपन ने एक बार भी नहीं किया है, राइट। ओरे भाई ये तो बड़ा बेकार लग रहा है, ये नॉर्मल है, ये टेक्सचर है, एंड आई थिंक ये ठीक है, वेरी बिटी आई थिंक, लाइक या इट्स गुड काइंड ऑफ। ये भी ठीक ही ठाक ही लग रहा है, ये तो नहीं, ये आई थिंक सही है, ये दिस इज़ गुड। तो इसको पहले हटा देते हैं यहाँ से, अपना रूफ का भी काम हो गया, एक बार जरा अंदर चल के देखते हैं क्या सीन है। वाओ नाइस यार, अच्छा लग रहा है गाइस, तुम लोगों को कैसा लग रहा है लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड ये देखो भाई, ये ग्रे वाले हुक्स भी बढ़िया लग रहे हैं, जो मैंने सेल्फ लगाए ना ग्रे वाले, नाइस। इतने ज्यादा शाइन नहीं मारे जैसे व्हाइट वाले मार रहे हैं भाई, एटलीस्ट बेटर है ये, सही लग रहा है भाई, अभी सही लग रहा है ये। एंड एक काम करते हैं, हमारा जो है स्टॉक रूम तो अपन इंक्रीज कर दिया है गाइस। एंड देखो मैंने तुम लोग को बताया था ना भाई, ज्यादा चीजें लगाने का हमारा ही नुकसान होता है यहाँ पे, क्योंकि अपने को जो है क्लीनिंग का काम भी करना पड़ता है, जो कि सबसे टफ काम है यहाँ का। और राइट गाइस, इधर का मैंने कर दिया है, इसको भी क्लीन कर देता हूँ। ये देखो गाइस यहाँ पे कछुआ घूम रहा है, देख रहे हो गाइस इसको। चलो क्लीन तो मैंने कर दिया है, काम करता हूँ यहाँ पे, और कछुआ खरीद लेता हूँ, ठीक है। एंड ये तो खाने में खत्म हो रहा है इनका, रुक जो खाना वाना भी डाल देता हूँ साथ साथ में, कोई इशू नहीं चाहिए अपने को, ठीक है गाइस। इधर का काम हो गया अभी हमारा, एंड वहाँ पे वॉशरूम हो गया है, यहाँ पर अभी हमारा बनेगा एकदम तगड़ा वाला स्टाफ रूम, ठीक है। तो अपन जाएंगे गाइस यहाँ चलते हैं, सॉरी अरे कहाँ गया बिल्ड मोड, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे बनाएंगे अभी अपना जो है स्टाफ रूम। एंड ये मैं क्या सोच रहा हूँ ना, यहाँ तक दरवाज़ा जा रहा है राइट। ये माय बॉय, अभी देखो गाइस मैं क्या करूँगा, ठीक है भाई। अरे इसने पूरा काउंट नहीं करा इसको, वैसा क्यों, ये क्या सीन है? एक सेकंड गाइस, मुझे कुछ दिक्कत लग रही है भाई इसमें तो, नहीं हो रहा है, 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 माय बैड, मैंने थोड़ा गलत कर दिया था आई थिंक। सो करते हैं कुछ इस तरह से यहाँ तक, ठीक है ओके। एक सेकंड, लेकिन थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, ये दीवार क्यों हटी भाई यहाँ की, नहीं, दीवार नहीं हटनी चाहिए, दीवार नहीं हटानी ना भाई, रुको एक सेकंड, मैंने आई थिंक गलत शायद से वो सिलेक्ट कर लिया था प्रोबेबली, या वही सोचो, मैंने स्टॉक रूम का सिलेक्ट कर लिया था तभी दीवार हटी। अभी ठीक है, ये हमारा स्टाफ रूम हो गया है, एंड इसको भी थोड़ा सा अपन थोड़ा वो सेट करेंगे अच्छे तरीके से, रुक दो। यहाँ पे आई थिंक ठीक रहेगा, ओके। एंड देन नहीं हुआ जो मैं करना चाह रहा था, वैसा नहीं हुआ, बट नहीं फिर तो ऐसे भी नहीं चलेगा भाई, ये अपन बढ़िया सा बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भाई। तो काम करते हैं 3x3 का, यार लेकिन फिर वही पंगा हो रहा है, पता है क्या, मेरे को एक स्पेस कम करनी पड़ेगी यहाँ पे आता हूँ, और मैं नहीं करना चाहता भाई, जैसा है वैसा बनाए रखना चाह रहा हूँ इसको, बट ठीक है। एक काम कर सकते हैं, चलो ऐसे कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अपन डबल डोर ऐड कर देते हैं, क्या कहते हो गाइस? अभी देखो तुम्हारा भाई क्या ही मस्त चीज़ें बना रहा है, यहाँ पे विंडो लेते हैं, एंड यहाँ पे विंडोज़ लगाते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। एंड यहाँ पर विंडोज़ आ नहीं रही है, इधर क्यों नहीं आ रही भाई फिर, हैं इधर क्यों नहीं आ रही विंडो भाई, ये तो गलत बात है, इधर आ रही है इधर नहीं आ रही है। फिर आई थिंक इधर का रहने देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे अपन डस्टबिन वगैरह ऐड कर देंगे तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा उससे, ओके। सो अभी अपन इसको जो है थोड़ा सा अलग तरह का कुछ पेंट करते हैं, या फिर बाहर से इसको मैं वुड का ही रहने देता हूँ, ठीक है। बाहर से तो सिर्फ ऐसे देखने के लिए लगा देते हैं भाई, लेकिन अंदर से जो तुम्हारा भाई अभी इसको रीपेंट करेगा ना भाई, तुम देखते जाओ, ठीक है भाई। अभी अंदर का ना पूरा अपन चेंज करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, और वो लगेगा क्योंकि भाई ये है हमारा एकदम बढ़िया सा स्टाफ रूम, जहाँ पे तुम्हारा भाई एकदम इसको मस्त जगह बनाने वाला है। रुक जाओ भाई, सब सारे तरह का चीज़ें मैं पेंट कर दूंगा यहाँ पे भाई, टेंशन मत लो गाइस, सब कुछ पेंट कर देंगे, जितने भी डिज़ाइन वाले हैं ना हमारे पास सारे लगा दूंगा भाई मैं। ये हो गया, ठीक है भाई, उसके बाद अपन ये लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है भाई। कैसा लग रहा है गाइस, कैसा लग रहा है भाई ये बताओ तुम, और इसको यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। नहीं यहाँ कुछ और आएगा भाई, अपन ये कर देते हैं, चलो गाइस ये हो गया इधर का। ये थोड़ा बेकार लग रहा है, इसको मैं चेंज करना चाहूँगा। क्लाउड्स फिर भी ठीक ठाक लग रहे हैं भाई यहाँ पर, लाइक पूरा येलोइश वगैरह नहीं करना चाह रहा मैं इसलिए, एंड आई थिंक इट्स गुड, इट्स ओके इश, नॉट बैड। ये भी तो ठीक लग रहा है, अरे यार ये ठीक लग रहा है यहाँ तो, हाँ ना, या इट्स गुड।
ओके तो अभी जरा एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं सर और देख कर आते हैं आखिर ये बना कैसा है भाई। ओह भाई साहब एक अरे अच्छा मैं तो यहीं से खुश हो रहा था भाई। ओके गाइस तो अभी जरा अंदर चलते हैं। वाओ भाई लुक एट दिस, ये जो डिफॉल्ट वाला ना ये भी बढ़िया ही लग रहा है मेरे हिसाब से तो, है ना भाई काफी सही लग रहा है वे। ये हमारा स्टाफ रूम भाई साहब एकदम मस्त जगह बना देगा इस अपन ने। अभी रुको ये अगर मेरे को टेक्सचर चेंज भी करना होगा तो फ्लोर के लिए देखते क्या फ्लोर के लिए कुछ बढ़िया सा है यहाँ पे। ना मेरे को डिफॉल्ट वाला ज्यादा बढ़िया लग रहा है यहाँ पर। ना 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 बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं भाई बिल्कुल नहीं। छी भाई छी छी नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा है। एक काम करते हैं वही डिफॉल्ट जो है वही ठीक लग रहा है भाई यहाँ के लिए तो। ये भी कर सकता हूँ वैसे बट मैं आई थिंक मेरे को यही ठीक लग रहा है यहाँ पे। हाँ ये बेस्ट है ठीक है डिफॉल्ट वाला जो है ये बेस्ट है गाइस। अभी अपन क्या करने वाले हैं गाइस अभी तुम लोग देखो बस ठीक है। अभी अपन लगाएंगे यहाँ पर लाइटिंग अपन ने थोड़ी बहुत लगा दी है लेकिन अपने को भी जो है यहाँ पर स्पीकर लगाने क्या लगाने स्पीकर लगवाने भाई। स्पीकर के बिना तो काम कैसे चलेगा यहाँ पर। एक यहाँ पर आएगा एक कोने में आएगा एक सेंटर में आएगा उसके बाद एक यहाँ रखेंगे उसके बाद एक यहाँ रखेंगे फिर एक यहाँ कोने में आएगा फिर एक यहाँ कोने में आएगा। दरवाजे के पास भी लगाऊंगा भाई मैं हर एक जगह होगा भाई स्पीकर स्पीकर भर देंगे मैं इसकी ठीक है। एंड यहाँ पे भी लगा देता हूँ अंदर की तरफ भी अंदर भी गाने बजने चाहिए भाई। कितने सारे स्पीकर लगा दिए भाई मैंने आई होप कि इतना ज़्यादा शोर ना मचे बस इसके अंदर। एक यहाँ लगा देता हूँ हमारे जो स्टाफ है ये भी गाने वाने सुनेंगे भाई मौज काटेंगे अपना एक अपन आई थिंक इतना बहुत है मेरे हिसाब से। ऑलराइट अरे हाँ एक चीज़ तो मैं भूल ही गया भाई गाने बजना बंद कैसे हो गए वे इसको ऑन करना पड़ेगा ना। चलो भाई सभी बजाते हैं गाने ये लेट्स गो। ओ ये बढ़िया से लगाते कुछ कुछ अच्छा सा बताओ भाई कुछ। चल ठीक है चलने देते हैं अभी फिलहाल। एंड अपन हर एक जगह पे स्पीकर्स लगा एक जगह पे दो दो आ गए रुको रुको गाइस एक जगह पे गलती से दो आ गए यहाँ पे जरा रिमूव कर देता हूँ यहाँ से और इसको अपन डाल देते हैं। कहाँ लगाया इसको अपन यहाँ कोने में मिसिंग है ना एक चलो यहाँ पे लगा दे कोई दिक्कत नहीं भाई कहीं पे भी लगा दो। ऑलराइट अपन ने स्पीकर्स लगा दिए गाइस अभी। एंड अभी अपन क्या करने वाले देखो हमारे पास डिस्प्ले वाले भी प्लेटफॉर्म्स है कुछ इनको अपन ने यूज़ नहीं करा है बिल्कुल भी। सो लेट्स डू वन थिंग एक यहाँ लगाते हैं ठीक है एक यहाँ पर और एक जो है मैं अंदर भी लगा सकता हूँ राइट। ओ या आई थिंक मेरे हिसाब से अच्छा लगेगा। हाँ भाई बंद हो जाएगा ना यहाँ का साइड साइड का तो हाँ ये अच्छा लगेगा भाई। इस गाइस यहाँ पे मैंने जो है ये लगा तो दिए हैं ठीक है लेकिन इसके ऊपर ना अपने को कुछ डिज़ाइन वगैरह रखना पड़ेगा। डिज़ाइन बोले तो अपन यहाँ पे रख क्या सकते हैं आखिर यहाँ पर तुम्हारा भाई पता क्या रखेगा अभी देखो अरे दरवाजे खुल रहे भाई हाथी। ओके सो यहाँ पे जाते हैं एंड इसको मैं प्लेस करने वाला हूँ। यहाँ पे देखो अपन खाना वाना भी रख सकते हैं वैसे तो लेकिन अपन डिस्प्ले के लिए अपन यहाँ पे कैट ट्रीज रख सकते हैं। तो अपन एक काम करते हैं कैट वाला ट्री रख देते हैं यहाँ पे ठीक है। मल्टीपल रख सकते हैं क्या आई थिंक एक ही रख सकते हैं सिर्फ। एंड देखो गाइस यहाँ पे कैट ट्री आ चुका है और यहाँ पे भी एक लगा देता हूँ भाई मैं। यहाँ पे कुछ देखते हैं बढ़िया सा है क्या यहाँ पे देखो हमारे पास लिटर बॉक्स है ये भी कैट के लिए ही होता है। सो ये रख सकता हूँ मैं एक यहाँ पे एंड दो आ गए भाई। इसको रोटेट करना यार मेरे को ये क्योंकि उल्टा लगा दिया मैंने रुक जाओ जरा इसको रोटेट करते हैं। ये देखो अभी देखने में क्या ना थोड़ा अच्छा भी लगेगा भाई यहाँ पर। ये देखो गाइज अभी अभी तुम लोग को दिखाता हूँ कैसे लग रहा है लेट मी नो इन द कमेंट्स। ये देखो गाइज यहाँ पे ये हो गया हमारा कैट ट्री हाउस एंड ये हो गया इनके लिटर बॉक्स ठीक है भाई इसके अंदर कैट्स को रख सकते हैं। एंड देखो गाइज यहाँ पर गाने वाने भी बज रहे हैं क्या ही प्यारा लग रहा है एकदम मस्त भाई भी जगह है भाई ये ठीक है। अभी काम करते हैं यहाँ पर ना अपने को थोड़ा बहुत और अच्छा बनाना है इसको कैसे कर सकते हैं लेकिन डेकोरेशन में चलते हैं और डेकोरेशन में अपन पहले तो ट्रैश कैन लगा दो भाई यहाँ पे आसपास सो दैट यहाँ पे कोई भी कूड़ा वूड़ा होगा तो यहाँ पर डायरेक्टली फेंक देंगे ठीक है। एंड एक सेकंड हो जाए इसको थोड़ा मूव कर दूँ क्या ठीक है यहाँ पे लगा देता हूँ। एंड मेरे को थोड़ा बहुत ट्रीज भी अंदर लगाने हैं ना क्योंकि लेकिन एक काम करता हूँ चलो फिर ना ट्रीज़ को यहाँ लगा देता हूँ इसको यहाँ कर देता हूँ। एंड इस वाले ट्री को रिमूव करके यहाँ पे अंदर की तरफ भी ट्रीज लगा देते हैं अपन ठीक है। अगर बीच में अगर अपने को हटाने होंगे ना हटा दूंगा मैं वैसे ये ठीक है अगर रिक्वायरमेंट नहीं लगी तो यहाँ पे आई थिंक अंदर लगा सकता हूँ ट्रीज को मैं है ना क्योंकि खाली रहने वाला है अंदर वाला एरिया। ओके सो यहाँ पे मैंने ट्रीज लगा दिए हैं ये रहने देता हूँ यहाँ पे ना नॉर्मली रहने देते हैं इसको। बाकी गाइस अभी अपने को जो है यहाँ पे कॉमन रूम में कुछ चीज़ें लगानी हैं जैसे कि यहाँ पे सोफाज लगाने वाले हैं और सोफाज में कुछ इस तरह से लगाऊंगा कि ना इनका पूरा गेमिंग एरिया बनाने वाला है अपन ठीक है। यहाँ पे कुछ एक यहाँ पर एक आ जाएगा उसके बाद एक यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं फिर एक यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है रुक जाओ इसको अपन थोड़ा सा रोटेट करते हैं यहाँ लगाते हैं यहाँ लगा देते हैं ठीक है। एंड अभी ये थोड़ा सा स्पेस जो मैंने छोड़ा हुआ है यहाँ पर अपन अभी बताता हूँ भाई अभी देखते जाओ क्या करने वाले अपन। यहाँ पे आएंगे दो आर्केड मशीन ठीक है गाइस एक यहाँ जाएंगी एंड देन अपन एक तो यहाँ पे भी लगा देते हैं एक यहाँ पे मान लो कि नहीं एक काम करते हैं ये वाला एरिया खाली रहने देते हैं ठीक है। या फिर अपन ये कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं आर्केड मशीन लगा देता हूँ या फिर एक काम करते हैं रुक जाओ अपन यहाँ पे ना
सोफा ऐड कर सकते हैं अगर किसी को अकेले गेम्स खेलने हैं तो उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अकेले खेलने के लिए यहाँ पे गेमिंग का अलग बना देते हैं। नहीं यार ये थोड़ा अजीब हो जाएगा, एक काम करते हैं वहाँ बैठने की जगह बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे साइड में अपने गेमिंग का लगा देते हैं, अगर किसी को खेलना हो तो खेल लेगा अकेले। और यहाँ पे कॉफ़ी मशीन लगा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक कॉफ़ी मशीन यहाँ पर आ जाएगी हमारी, कोई अभी तो लग रहा था ये, हाँ अभी ठीक है। एंड अभी अपन क्या करने वाले, एक कॉफ़ी मशीन मैं क्या सोच रहा हूँ ना यहाँ पे भी लगाई जाए, सो दैट इनको कॉफ़ी वगैरह पीनी वगैरह पी लेंगे। लेकिन एक काम करता हूँ ना, क्यों ना अपन इधर की साइड में भी ऐसा ही सेम बना दे, अच्छा लगेगा भाई देखने में, क्या कहते हो गाइस। एंड यहाँ थोड़ा सा स्पेस छोड़ा, ये हो गया, ठीक है। एंड अपन को बस यहाँ पे क्या करना है भाई, यही तो लगाने बस, दैट्स इट ऑल राइट। एंड यहाँ पे कॉफ़ी मशीन जो है अपन यहाँ बीच में लगा सकते हैं भाई, जिसको पीनी होगी बैठ के लाइक खड़े होकर आराम से पी लो भाई, मौज काटो कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन अपन एक यहाँ पे लगा सकते हैं, एक यहाँ पे दो आ जाएंगी, दो यहाँ लगा देते हैं, एक ही आ रही है, हाँ चलो दो आ गई है यहाँ पे, ठीक है गाइस। कॉफ़ी मशीन वगैरह सब कुछ लगा दिया अपन ने यहाँ पर। एंड भाई ये रूम ना अभी और ज़्यादा बढ़िया हो चुका है। इसके अंदर ना गाइस वैसे देखा जाए तो अपन ये भी लगा सकते हैं डक्ट वगैरह भी, ठीक है। एंड ये डक्ट वगैरह आई थिंक मेरे को जितना लग रहा है ना, या तो बाहर इसका एयर फ्लो जाएगा या फिर बाहर से अंदर एयर फ्लो आएगा, आई थिंक बाहर ही फेंकेगा जितना मुझे लग रहा है, बट आई डोंट नो इसको लगाना चाहिए कि नहीं अपने को। आई थिंक ऐसा तो कुछ काम करने वाला है नहीं इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास बनी एनक्लोजर आ चुका है, ठीक है। अबे अपन ने फिश टैंक नहीं लगाया गाइस, एक काम करें क्या अपन, अबे एक काम करते हैं पता है क्या, देखो अपन ने यहाँ पे फिश टैंक वगैरह भी लगा सकते हैं भाई, काफ़ी प्यारा लगेगा इसकी वजह से भी, समझ रहे हो गाइस। अपन लाइक कुछ इस तरह से लगा सकते हैं इनको कि लोग ना बाहर से भी देख सके भाई इसको, ठीक है, तो अच्छा लगेगा भाई देखने में भी। रुको गाइस अपन यही करते हैं भाई, काफ़ी प्यारा लुक आएगा यहाँ पर, एक कुछ इस तरह से लगा देते हैं, ठीक है। फिश टैंक लगा दिया मैंने यहाँ पर, एंड यहाँ पर भी फिश टैंक वगैरह लगा देंगे, कहीं पर जगह बचिए तो लगा देते हैं भाई। और अबे ये भी तो बचा है भाई, ये है हमारा सेल्फ सर्विस अकाउंट, अगर यहाँ पे हमारे पास कैशियर नहीं होता है तो यहाँ पे वो, अरे हाँ जगह तो छोटी हुई है इसमें ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपन इसको यहाँ लगा सकते हैं। एंड ये आ जाएगा यहाँ पर एक, ठीक है, एक इधर के लिए लगा देते हैं और एक इधर के लिए लगा देते हैं, ठीक है। तो जिसको भी एक दरवाज़ा तो नहीं है ना यहाँ पे, हाँ फिर ठीक है, एक यहाँ पे सेल्फ सर्विस चेकआउट लगा दिया मैंने। और हमारे पास ना पेट ट्रीट का भी आ चुका है गाइस, तो अपन यहाँ पे जो है जो डॉग्स वगैरह आएंगे वो लोग यहाँ पे खाना वाना खा सकते हैं अपना, ठीक है। तो इनको खाना वाना खिलाने के लिए भी जगह बना देते हैं भाई, यहाँ लगा तो दिया मैंने कहीं पर, अरे हाँ यहाँ पे जो जगह खाली बड़ा हुआ है ना यहाँ पे, नहीं यार यहाँ तो आ ही नहीं रहा भाई ये तो। चलो एक काम करते हैं, यहाँ लगा देता हूँ, ये डिस्प्ले वाले हटा देता हूँ, यहाँ पे वैसे भी वॉशरूम है तो यहाँ पे चल डिस्प्ले, पर खाने का भी यार फिर आई थिंक एक ठीक रहेगा क्या, दो तीन लगाने पड़ेंगे लेकिन मेरे को यार, एक में अच्छा खासा काम नहीं हो पाएगा। एक काम करता हूँ इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। और ये जो डस्टबिन है ना, इस डस्टबिन को अपन बाहर भी तो लगा सकते हैं ना भाई, यस बाहर भी तो लगा सकते हैं, एक यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है भाई, कूड़ा वूड़ा बाहर फेंक देंगे। ऑल राइट, इसके अलावा हमारे पास माउस एनक्लोजर है, हैमस्टर एनक्लोजर भी है, टर्टल एनक्लोजर भी हो चुका है हमारे पास, एक्वारियम जो है फिश टैंक, और हाँ ये रहा ना एंटी थेफ्ट वाले जो दरवाजे हैं भाई, इससे क्या है ना कोई चोरी नहीं कर पाएगा यहाँ पे, तो कोई चोर आएगा ना तो इसके अंदर जब स्कैन होकर जाएगा तो साला फंसेगा ही फंसेगा, उसकी फिर अपन वॉट लगा देंगे। यहाँ तो अंदर लगाने की जरूरत नहीं है, तो स्टाफ रूम का एरिया हो चुका है क्योंकि अभी। चलो गाइस ये सब कुछ लगा दिया अपन ने, मेरे पास भाई सिर्फ 25,000 बचे हुए अभी, लाइक 26,000 मान के चल लो, कितना सारा खर्चा कर दिया है मैंने यहाँ पे। लाइटिंग हो गई है, ठीक है, डक्ट का तो अपने कुछ यूज़ नहीं लग रहा अभी, वॉशरूम का काम हो गया है अपन ने, यहाँ पर स्टाफ रूम भी बना दिया है, स्टॉक रूम हमारा पूरा हो गया है। एंड शॉपिंग बास्केट्स अपन काम करते हैं और लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर शॉपिंग बास्केट्स ना काम करता हूँ, बहुत सारे लगा ही देता हूँ, यहाँ पर शॉपिंग बास्केट का काम हो जाएगा अपना। एंड जो अपन ने डॉग्स के लिए खाना भी रख दिया है इस जगह पे गाइस, स्पीकर्स लगा दिए हैं, एंटी थेफ्ट के दरवाजे लगा दिए हैं, सब कुछ बना दिया अपन ने लगभग, राइट। एंड एक काम करते हैं जरा एक बार चेक कर लेते हैं कैसा लग रहा है अभी गाइस, तो देखो गाइस अपन ने सब कुछ कर दिया है इस गेम के अंदर, ठीक है। तो अभी अंदर चलते हैं जरा, एंड ये गाने वाने सब कुछ बज रहे हैं यहाँ पर, ये हो गया अपना वॉशरूम, इसे बाहर आते हैं, ये है हमारा, हमारे जानवर हैं यहाँ पे सारे रखे हुए, इनको जो है क्लीन करना है मेरे को, करेंगे विल डू दैट। एंड उसके अलावा हमारे सेल्फ्स हैं यहाँ पर बहुत सारे, और अपन ने भी बहुत सारे सेल्स और लगाए हैं यहाँ पर, जो है सेल्फ सर्विस चेकआउट का भी आ चुका है, तो आई थिंक यहाँ पे ऑटोमेटिकली कर लेंगे वो पैसे वैसे कटने लाइक काटने वाला सीन मे बी, या फिर मेरे को क्या लग रहा है ना शायद से ये सेल्फ सर्विस चेकआउट में भी ये है कि मेरे को यहाँ पे बैठना होगा और कस्टमर्स जो आएंगे उनका सामान मैं यहाँ पे स्कैन वगैरह कर सकता हूँ जितना मुझे लग रहा है, ठीक है गाइस। मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि ये वही चीज़ है जो मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, ये कोई कस्टमर्स नहीं करेंगे, आई थिंक मेरे को बैठना पड़ेगा ताकि मैं खुद इनको स्कैन कर सकूँ यहाँ पे, बाकी यहाँ पे वर्कर्स बैठ जाएंगे हमारे, यहाँ पे डॉग्स वगैरह का खाना रख दिया अपन ने, पानी वानी सब कुछ। एंड यहाँ पे जो है डिस्प्ले, यार ये थोड़ा सा छुप गया है वहाँ पे, बट ठीक है, एंड आई थिंक इट्स गुड। अच्छा चलो अभी काम कर देगा इस, जरा लेट मी चेक एक चीज़, पॉइंट मार्केट प्लेस 2,000 है ना मेरे पास, कोई कुछ चीज़ खरीद नहीं सकता पहले बात तो मैं, ठीक है इसको स्किप नाइट करते हैं अभी फिलहाल के लिए।
अपन जा रहे हैं अभी थोड़ा और खर्चा करने वाले हैं, अपन लगाएंगे भाई एडवर्टीजमेंट, 20 मिनट तक चलेगा ये, 54% ऑलरेडी हो चुका है एंड अभी अपन जा रहे हैं हमारे कुछ वर्कर्स को कॉल करने के लिए सो दैट यहाँ पर आए और वो लोग यहाँ पे अपना अच्छा खासा काम करें। तो मैं सारे वर्कर्स को बुला रहा हूँ भाई, मैं तो कैशियर पे बैठने वाला हूँ नहीं। वो ये 3 स्टार का हो गया है भाई साहब, 3 3 स्टार वाले वर्कर्स आ गए मेरे पास गाइस। ठीक है भाई रुक जाओ, 3 स्टार कैसे हो गए, लेकिन मैंने उसको तो भेजा भी नहीं कहीं पे भाई। इसको अप्लाई कर देते हैं, ये किस चीज़ के लिए है, ये क्लीनिंग के लिए है ना, हाँ क्लीनिंग के लिए है, और ये है हमारा एडवर्टीजमेंट के लिए। ठीक है तो मैंने सारे वर्कर्स को बुला लिया गाइस काम पे एंड अभी ज़रा चेक करते हैं, 54% ही दिखा रहा है अभी भी। ओपन करता हूँ ज़रा देखते हैं एडवर्टीजमेंट करवाने के बाद कितना हो जाएगा, अभी तो 54% ही दिखा रहा है। और इसके अंदर ज़रा मैंने काम करता हूँ, इसके अंदर अपन सारा सामान रख देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा सारा सामान। ऑल राइट एक सेकेंड, ये क्या सीन है भाई, एक सेकेंड यहाँ पर रख देता हूँ ये, अपन सब कुछ भरने वाले गाइस यहाँ पर। ठीक है एक मिनट रुक जाओ, आई थिंक मैंने गलत क्लिक कर दिया था, यहाँ पर हैमस्टर फूड आ गया, ये कैट फूड आ चुका है, यहाँ पर ये आ गया है। ठीक है यहाँ पे ये रख देंगे, जितना खाना मेरे पास रखा हुआ है ना गाइस मैं सब कुछ रखने वाला हूँ। ठीक है ये हो गया इधर, उसके बाद यहाँ पर इनकी कुछ चीज़ें वगैरह भी हैं, डॉग बाउल हो गए हैं, जैसे कि यहाँ पर फिश का फूड हो चुका है, और हमारे पास क्या क्या है, डॉग विटामिन हो चुका है, इनको रख देते हैं अपन, और क्या है चलो सारी चीज़ें रख देते हैं इनको। ठीक है ये हो गया यहाँ पर, एंड यहाँ पे अपन जो डॉग का खाना रख सकते हैं। उसके बाद में अपन यहाँ पे थोड़ा बहुत और कुछ, मेरे पास बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है भाई अभी भी, एंड अपन इस तरह से जो है सब कुछ भर देंगे भाई यहाँ पे, चलो सब कुछ भर दूंगा भैंस की घर में, पैसे पैसा आएगा देखते जाओगे ऐसे भी, तुम लोग बस मस्त पैसा अर्न करेंगे भाई अपन अभी। भाई वैसे सामान खरीदने में भी ना पता है बहुत पैसा जाता है इसके अंदर, बट ठीक है भाई उससे हमारी डबल अर्निंग हो जाती है विच इज़ रियली नाइस। यहाँ पे सारे डॉग्स के मजल्स रख दिए अपन ने, यहाँ पे लीश रख देते हैं, और यहाँ पे अपन डॉग हार्नेस रख देते हैं। भाई अपन ने कुत्तों के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं यहाँ पे, कसम से भाई हमारे डॉग्स यहाँ पे डॉग्स के ज़्यादा सामान मिलते हैं इस जगह पे भाई। चलो ये तो पूरा भरा पड़ा है, यहाँ पे भी ऑलरेडी मैंने असाइन करा हुआ है सारा सामान, एंड या इसमें तो सारा सामान असाइन करा हुआ है ऑलरेडी। इसको मैं फटाफट से क्लीन कर देता हूँ, क्लीन करना भी ज़रूरी है गाइस यहाँ पर, इसके फटाफट से अपन क्लीनिंग कर देते हैं। ये हो गया इधर, ठीक है बनीस अपन क्लीन कर दिया है यहाँ पर, टोटल का भी एरिया क्लीन कर देते हैं। सो यहाँ पर मैंने क्लीनिंग कर दिया गाइज, एंड अभी जो है इसको रिफिल एंड फूड एंड वाटर कर देते हैं। एक सेकंड रुको, एक ही कैशियर आया हुआ है क्या यहाँ पे, आप भी कैशियर हो, नहीं ये कैशियर नहीं है भाई। 74% जो है यहाँ पे अट्रैक्टिवनेस हो चुकी है गाइज, इट्स ओके माइट बी बेटर बट इट्स नॉट बैड। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, एक सेकंड रुक, जो हमारे वर्कर्स हैं कैशियर्स हैं, एक ही कैशियर बुलाया गया मैंने, इसको भी बुलाने दो रुक जाओ जरा। ठीक है अभी सारे कैशियर्स आ जाएंगे, एंड ये लोग भाई अपने बस अर्निंग बढ़ाते रहेंगे और देख लेता हूँ और एम्प्लॉयज़ वगैरह अपन अगर हायर कर सकते तो। अरे हाँ अपने यहाँ पर बॉडी गार्ड भी हायर कर लेते हैं भाई, लेट्स गो गाइस, अपने बॉडी गार्ड भी हायर कर दिया अभी, और हमारा बॉडी गार्ड पता नहीं कितनी देर में आएगा, बट ठीक है अभी आ जाएगा तो अभी दिखा देता हूँ कितने सारे वर्कर्स हो गए हमारे पास भाई। यहाँ पे मेरे को पता नहीं हमारा बॉडी गार्ड तो दिख नहीं रहेगा इस जगह का, बट सारे वर्कर्स तो आ चुके हैं काम करने। देखो यहाँ पे कैशियर बैठा हुआ है अपना, अच्छा नहीं भाई सेल्फ सर्विस वाला काम कर रहा है अपना अच्छा खासा। ठीक है तो देखो ये अपने आप ही जो है सारा पैसा हमारे पास ऐड हो रहा है, हमें वैसे कैशियर्स हायर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसके बाद तो, ऐसा मेरे को लगता है। लाइक ये खुद अपना चेकआउट करवा सकते हैं भाई यहाँ पर, मेरे को लगा था मेरे को बैठना पड़ेगा बट ऐसा नहीं है, खुद सेल्फ सर्विस चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे विच इज रियली नाइस। मैन हमारा बॉडी गार्ड कहाँ है भाई, लेकिन ये बॉडी गार्ड है नहीं, ये बॉडी गार्ड कहाँ है भाई, हमारे बॉडी गार्ड तो ही नहीं साला यहाँ पर। एक सेकंड जो गाइस अपन ने बहुत सारा सामान मंगा रखा है तो उसको मैं जरा फटाफट से वेयर हाउस में मूव करा लेता हूँ। ठीक है ये हो गया एंड सारा सामान अभी थोड़ा बहुत और बचा हुआ भाई, मैंने कितना सारा सामान ऑर्डर करा हुआ है यार यहाँ पे। ओके चलो गाइस पूरा सामान जो अभी भर चुका है, आई थिंक मेरे को लग रहा है ना पूरा भर जाएगा भाई ये देखो, एंड यस ये देखो भाई इधर को तो पूरा फुल हो गया, थोड़े बहुत स्टैक्स लाइक थोड़े बहुत जो है अभी सेल्फ बचे हुए, नहीं तो सब कुछ पूरा एकदम फुल हो गया भाई यहाँ पर। अपने काम करते हैं, लेवल 10 भी यहाँ पर हमारा हो चुका है, नाइस लेट्स गो बेबी। ऑलराइट इधर का काम कर लेते हैं यार, अब ना ये वाला सामान मैंने मंगाया नहीं है तो उस वजह से रिफिल भी नहीं हो रहा है ये, बट गाइस यार ये देखो गाइस ये है हमारा स्टाफ बोले तो VIP रूम। ठीक है गाइज एंड देखो गाइज यहाँ पे आर्केड मशीन्स लगाई हुई है अपन ने, कॉफ़ी वाली शॉप वो लगा दी अपन कॉफ़ी मशीन्स, एंड यहाँ पे सोफाज लगा दिया, आराम से यहाँ पे बैठो गेम खेलो, जाओ भाई निकलो यहाँ से, काम वाम करो भाई, काम पे फोकस करो, इजी पीजी गाइज। एंड यहाँ पे इसी के साथ जो मैंने फिश एक्वेरियम लगाया था ना कहाँ गए, इसके अंदर अपन जरा फिश भी तो ऐड कर दें, बाय एनिमल एंड बाय एनिमल। चलो गाइज ये देखो गाइज यहाँ पे दो दो फिशेज आ चुकी हैं, यहाँ पे भी दो फिश आ चुकी हैं, लुक एट दैट, ये क्या प्यारा लग रहा है भाई। एक सेकंड रुको, शायद से ना मेरे को क्या लग रहा है कि यहाँ पे हमारे जो वर्कर्स हैं, ये देखो भाई एक 3 स्टार का हो गया, दूसरा भी 3 स्टार का हो गया, मतलब ये लोग काम करते करते भी जो इनके जो ये स्टार्स हैं ना भाई बढ़ते रहते हैं इनके स्किल्स वगैरह। ये देखो गाइस पार्किंग एरिया में भाई कितनी सारी गाड़ियाँ पार्क हो गई, और ये देखो भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको देखो गाइस
ये देखो भाई नाच गाना कर रहे हैं यहाँ पे, क्या ही मस्त काम चल रहा है इस कसम से भाई, क्या ही मस्त काम चल रहा है आज तो भाई। इतने कस्टमर तुम देख रहे हो, मेरे पास अभी सिर्फ 14,000 आई थिंक मेरे पास अभी, और अभी देखो 24,000 हो गए। मतलब भाई अर्निंग भी इतनी तगड़ी हो रही है ना यहाँ पे, क्या बताऊँगा इसमें। ये देखो अभी सेल्फ सर्विस अकाउंट से भी अपने को पैसे मिलेंगे यहाँ पर, देखो इतने को 500 हो गए हैं ठीक है। एंड अभी देखो 24,000 थे ठीक है, एंड अभी हो गए 24,000 इतना फायदा नहीं हुआ बट 24,000 ये, रुक जाओ 24,500 तो हो गए। ये भी देखना, ये वाला जो पूरा आएगा ना अभी देखना गाइस कितना पैसा मिलने वाला तुम्हारे भाई को। अभी ये देखो जल्दी कर दे 24,000 से बढ़ भाई हो गए 25,000 हो गए गाइस 25,000 लाइक हाँ भाई अर्निंग लेकिन काफी अच्छी खासी हमारी यहाँ पर हो रही है ठीक है कसम से भाई। ये देखो गाइस यहाँ पर भी पैसे ही पैसा है भाई, लेकिन लिटरली भाई पैसे पैसा है। तो गाइस यार इस गेम में अपने को जितनी चीजें करनी थी अपने सब कुछ कर दिया है ठीक है, यहाँ पे अपने सब कुछ लगा दिया भाई, सब कुछ सारी चीजें ठीक है, मैक्स हो चुका है पूरा एकदम ये। और अभी कुछ बचा नहीं है इसके अंदर करने को, अपन इस सीरीज को भी यहीं पे खत्म करते हैं गाइस। बाकी अपन यहाँ पे किसी और नए गेम की सीरीज जल्दी शुरू करने वाले हैं। बाकी गाइस इस वीडियो पे 300 लाइक्स पूरे करा देना। एंड गाइस यार देखो मैंने तुम लोगों को बोला था ना पैसे कितना जल्दी जल्दी बढ़ रहे, देखो 32,000 हो गए भाई अभी मेरे पे 25,000 थे। चलो गाइस यार आज के एपिसोड के लिए बस इतना, आई रियली होप यू एंजॉय दिस वीडियो, अगर मजा आता है चलेगा बटन दबा देना, सब्सक्राइब करना चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।